हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज की स्टूडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपका जब 4000 वॉच टाइम कंप्लीट होता है और 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं, उसके बाद में आपको अपने मोनेटाइजेशन को इनेबल करने के लिए कैसे अप्लाई करना होता है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा अपना मोनेटाइजेशन को इनेबल करने के लिए क्या क्या करना होता है। तो वीडियो को पूरा देखना, अंत तक देखना। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना। उसके बाद में आपको 3 ऑप्शंस दिए जाते हैं। पहले ऑप्शन में आपको केवल टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, दूसरे में आपको गूगल एडसेंस को एक्टिव करना होता है, थर्ड में आपको ये अपने आप रिव्यू में चला जाता है अगर आप दोनों पहले ऑप्शंस को कंप्लीट कर ले जाते हो। तो सबसे पहले हम लोग पहले ऑप्शन पे चलते हैं, उसको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल होता है, इसको आपको केवल एक्सेप्ट करना होता है। टर्म एंड कंडीशन को जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं सबको आपको पढ़ना होता है। सभी लोग क्या करते हैं, इसको केवल एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना पढ़े ही। ठीक है, तो आपको कर लेना है, अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो ये 1 मिनट के अंदर ही एक्सेप्ट हो जाता है। ये पहला आपका जो स्टेप होता है ये डन हो जाता है। उसके बाद में हम लोग दूसरे स्टेप में जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि एडसेंस को आपको पहले से बना के रखना है, जिससे आपको 2 दिन एडसेंस को अप्रूवल करने में लगते हैं। जो पहले ही आप अगर बनाए रखते हो तो ये फटाक से आपको केवल आपको ईमेल आईडी सेलेक्ट करनी है। यहाँ से आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आई हैव एक्जिस्टिंग अकाउंट, आई डोंट हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। तो इसमें से आपको पूछा जा रहा है कि आपके पास गूगल अकाउंट है, एडसेंस अकाउंट है या नहीं है। ठीक है, तो इसमें से मेरे पास है तो मैं आई हैव एन एग्जिस्टिंग अकाउंट पे सेलेक्ट करता हूँ। आपको भी पहले से बना के रखना चाहिए, जिससे आपका टाइम बहुत बचता है मोनेटाइजेशन इनेबल करने में, क्योंकि 2 दिन आप एडसेंस को अप्रूवल करने में ही लग जाते हैं। तो हम लोग आई हैव एग्जिस्टिंग अकाउंट पे सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हम लोग वो ईमेल आईडी सेलेक्ट करते हैं जिस पर हमारा एडसेंस बना हुआ है। उसके बाद में ये भी हमारा दूसरा ऑप्शन भी डन हो जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल होता है अगर आप पहले से एडसेंस बना के रखते हो। तो हमारा ये दूसरा ऑप्शन जो था वो भी हमारा यहाँ पर स्टेप कंप्लीट होने वाला है। और ये अगर आपने पहले से बना के रखा है तो 2 मिनट के अंदर आपके दोनों स्टेप्स जो होते हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और जैसे दोनों स्टेप्स कंप्लीट होते हैं, आपका थर्ड जो होता है वो तुरंत रिव्यू में चला जाता है। क्योंकि ये जो थर्ड स्टेप होता है वो YouTube के पास ईमेल जाता है। उसके बाद में वो आपके चैनल को वेरीफाई करता है कि हाँ, सारी वीडियोस जो हैं वो हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करती हैं, हम इसको एक्टिव करते हैं। तो इसी तरीके से आपका जो चैनल होता है वो अप्रूव हो जाता है, मोनेटाइजेशन हो जाता है। उसके बाद में आप अपने चैनल से अर्निंग कर सकते हो। मेरा जो मोनेटाइजेशन था वो 24 आवर्स के अंदर ही एक्टिव हो गया था। सो गाइज, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जैसे वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें।